वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बिहार सचिवालय सहायक का जो एग्जामिनेशंस 23 दिसंबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन शेयर किया था, उस क्वेश्चन को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूँ। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे जीके और साइंस का, ये 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक्स होगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ जीके साइंस का। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट का आप सभी को ओरिजिनल पेपर साथ में हैंड नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया हूं। तो जो भी कैंडिडेट ओरिजिनल पेपर नहीं डाउनलोड किए हैं फर्स्ट शिफ्ट का, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें ओरिजिनल पेपर में ही टिक आउट कर दिया हूँ सभी जेन्युइन क्वेश्चंस को, सभी सेक्शंस का। तो चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद में आप सभी को 24 दिसंबर 2022 के ओरिजिनल पेपर साथ में उसका हैंड नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ है? तो ये युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षा पाया जाता है? तो IgA प्रतिरक्षा पाया जाता है। आनंद मठ को किस भाषा में लिखा गया था? तो बंगाली भाषा में लिखा गया है आनंद मठ को। पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो इसमें बाबर की जीत हुआ था 1526 में। देखिए पानीपत के तीनों युद्ध याद रखिए, 1526, 1556 और 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो मिंस्क है। एड्स वायरस में आनुवंशिक पदार्थ है? तो एड्स वायरस में आनुवंशिक पदार्थ होता है RNA। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1862 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गावा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलियन ब्रिस्बेन में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पनामा देश की राजधानी कहाँ है? तो पनामा सिटी है। कीप किसकी मुद्रा है? तो लाओस की मुद्रा है। दूध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। बाजरा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। भूटान में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुआ था? 2006 में हुआ था। खरोष्टी लिपि के जनक पूछा गया था, तो ये कातिब हो जाएगा, कातिब जो है जनक है खरोष्टी लिपि का, ये दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता है। अमृता प्रीतम का संबंध किससे है? तो ये साहित्य से है। महारानी एलिजाबेथ का उत्तराधिकारी कौन है? तो चार्ल्स तृतीया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वधर्म वाटिका पार्क है तो ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस संस्था ने 36 इंटरनेट उपग्रह एक साथ लॉन्च किया है? तो इसरो ने किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किलोवाट घंटा मात्रक है तो ये ऊर्जा का मात्रक है। विक्टर बनर्जी का संबंध किससे है? तो ये एक अभिनेता है। निम्बिया से 8 चीते को किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है जो MP में है, मध्य प्रदेश में। मध्य मंडल में औसत तापमान कितना होता है? तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। किस आंदोलन को हिंसा के कारण वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को हिंसा के कारण वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हवा समुद्र पर धनी है, किसका नियम है? ये वायर्स का नियम है। आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया है तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था। देखिए क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज था थोड़ा लेंदी था, मैं उसको ईजी बनाकर आप सभी को एनालिसिस दे रहा हूँ। गरीबी हटाओ पर ध्यान दिया गया था तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था। किस समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो पराकलन समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। उपोष्ण कटिबंध को कहा जाता है अश्व अक्षांश कहा जाता है। सोना 64 जो फसल है कि किस में है, किसका किस्म है? तो गेहूं का है।
पीएम फसल योजना का पात्रता क्या है? तो ये 18 से 70 साल की पात्रता है। यांत्रिक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है, दोनों में से जो पहले हो जाए। शपथ किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये तीसरी अनुसूचित में वर्णित है। सबसे अधिक सूरज का ताप कहाँ होता है? तो उपोष्ण कटिबंध में होता है। कौन सा जीव यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है? तो पक्षी जो है सरीसृप वर्ग ये यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करता है। देवेंद्र झरझरिया को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण मिला था। पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड में एंटीबॉडी कौन सा होता है? WBC होता है। परमाणु का संबंध देखिए दिया गया था, इसका लैंग्वेज में लिखा गया था, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। परमाणु का संबंध अणु से है, तो कोशिका का संबंध किससे होगा? तो जीव से हो जाएगा। कॉफी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। द्वितीय अफीम युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ है? तो 3 तहसीन संधि के द्वारा हुआ है। विश्व में अंडा उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा है। भारत नेपाल का सीमा निर्धारण करता है सुगोल की संधि, जो 1816 में हुआ था वो निर्धारण करता है। अनुच्छेद 75(2) किससे संबंधित है? तो ये मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से संबंधित है। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? चाइना में हुआ है। बिहार जो कॉम्फेड है, कॉम्फेड की स्थापना कब हुआ था? 1983 में हुआ था। श्रीलंका में शांति सेना का संबंध किससे है? तो लिट्टो खत्म शांति स्थापित करने से संबंधित है। राज विधायिका का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 194A में वर्णित है। व्यापारी पवन ने नहीं है, तो ऑप्शन में जो मानसूनी पवन दिया था ये करेक्ट था, ये व्यापारी पवन में नहीं आता है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट संबंधित है, नई दिल्ली में ये प्रोजेक्ट है। हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का कौन सा संस्करण था? 12वां था। द रिपब्लिकन इथिक्स भाषण संग्रह, मतलब किसका कलेक्शन है इसमें? रामनाथ कोविंद का वर्णन है इसमें। तो ये 53 मुझे रियल क्वेश्चंस और आंसर्स मिला है। आई होप कि आप सभी को ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।